हेलो एवरीवन, अगेन मैं गौरव शर्मा आपके सामने। और लास्ट हमने पढ़ा था परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने लास्ट इस क्वेश्चन को स्टडी किया। अब हम स्टडी करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट पैटर्न को, परसेंटेज। और ये कौन सा है? लेक्चर नंबर 3 है परसेंटेज का। और लेक्चर नंबर 3 पे तभी आइएगा जब आपने फर्स्ट और सेकेंड देख लिया है। क्लियर? इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक कंसेप्ट। बड़ी बार ना परसेंटेज में क्वेश्चंस आते हैं इलेक्शंस को लेकर के। किसको लेकर के? इलेक्शंस को लेकर के। इलेक्शंस में एक टाइम ऐसा था कि क्वेश्चन आपको पूछ लिया करते थे कि भाई दो कैंडिडेट्स में इलेक्शन हुए, एक को इतना परसेंट मिला, एक को इतना परसेंट मिला, टोटल वोट इतने हैं, तो बता इसको कितने मिले। आजकल ऐसा नहीं पूछता यार। आजकल मॉडिफाई करते 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 क्वेश्चंस को उस लेवल तक लेकर के आया है कि जिस लेवल को समझने के लिए आपको बेस पूरा का पूरा पढ़ना पड़ जाए। क्लियर है? और अगर हम बोले कि खाली बेस ही पढ़े और वो हो जाए, तब भी पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट वो पढ़े और बेस को ना देखें और बोले कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन तब भी सॉल्व नहीं होते बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों को समझाता हूँ, अंडरस्टैंड करना। जस्ट लाइक अपने पास आज से कोई 6 या 7 साल पहले क्वेश्चन आया करता था, क्वेश्चन पूछा करते थे इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन गॉट 60% ऑफ वोट्स, फुल स्टॉप, फाइंड द टोटल वोट्स स्कोर्ड बाय विनर इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 10,000। लेट्स सपोज, ठीक, आज से 6 से 7 साल पहले जितने भी एग्जाम आते थे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते थे कि भाई एक इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट्स के बीच में, एक कैंडिडेट को मिले 60% वोट, तो बताओ टोटल वोट कितने मिले हैं विनर को अगर टोटल नंबर ऑफ वोट 10,000 है। तो अंडरस्टैंड करिएगा, हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। मैं बोल रहा हूं भाई इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कितने वोटों के पीछे हो रहा है? 10,000 वोटे, यानी कि हार और जीत का फैसला ये 10,000 वोट करवाने वाले हैं। इन 10,000 वोटों में से जो ज्यादा वोट ले जाएगा वो विनर कहलाएगा, और जिसको कम मिलेंगे वो लूजर कहलाएगा। यहां पर क्वेश्चन के अंदर मैंने किसी भी कैंडिडेट का नाम नहीं लिया, मैं अपनी मर्जी से यहां पर दो नाम ले लेता हूं। एक का नाम रखते हैं आलू और दूसरे का नाम रखते हैं हम बालू। हमने मान लिया आलू और बालू में इलेक्शन हुआ, टोटल 10,000 वोट थे, आलू को मिले 60% वोट। क्वेश्चन में बोल रहा है वन गॉट, एक को यानी कि आलू को मिले 60% वोट, तो बताओ बालू को कितने मिलेंगे। तो ये बच्चों वाली चीज हो चुकी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में, परसेंटेज का बाप कौन? 100%। ये 10,000 जो टोटल वोट है ये किसको शो कर रहे हैं? 100% को। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, वोट ही इतने हैं। अब आप बोलोगे नहीं सर किसी दूसरी जगह में वोट ज्यादा होंगे, तो उसका 100% अलग है, उसको भी 100% बोलूंगा। यहां पे 10,000 वोट कौन है? 100%। और 100% में से एक अगर 60% वोट ले गया तो दूसरे को कितने मिले होंगे बेटा? दूसरे को बाय डिफॉल्ट 40% वोट मिले होंगे। क्यों? 100 में से एक 60 ले गया तो दूसरे को 40%। तो हमारे आलू को मिले हैं 60% वोट और भालू को 40% वोट। और इस क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द टोटल वोट स्कोर्ड बाय विनर, यानी के विनर को कितने वोट मिले हैं ये पूछा गया। तो मैं सिंपल बोलूंगा ना यार, 10,000 का कितना परसेंट वोट विनर को मिला है? 60%। तो 60% कैलकुलेट कर देता हूं,
कहीं जीरो का ऐड करके करेंगे, और जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर निकाला है वो सिंपल सिंपल यहाँ पे देखेंगे 10,000 का 50% कितना होएगा 5,000, और 10,000 का 10% 1,000। क्लियर है? 5,000 और 1,000 6,000 मेरा आंसर। क्लियर है? वो इस तरीके से दिमाग चलाएंगे अपने पास। ध्यान से देखिएगा, 0,000 कटा तो 6,1 का 6, तो 6,000 क्या आया मेरा आंसर। क्लियर? और जो दिमाग चलाएंगे उनको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, वो देखते साथ बता देंगे कि 10,000 का 60% क्या होता है 6,000। क्लियर है? अंडरस्टूड? ठीक है। ये क्वेश्चन ये आज से बेटा 6 या 7 साल पहले पूछा जाता था, अभी बोलो कि ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाए। क्लियर है? तो वो इतनी ज्यादा किस्मत अच्छी होगी ना कि मैं बता ही नहीं सकता कितनी ज्यादा किस्मत अच्छी होगी ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। क्लियर है? और आजकल का एग्जामिनर इतनी ज्यादा किस्मत अच्छी होने की बात ही नहीं कर रहा और ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आ रहा। क्लियर? लेकिन ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंड करिएगा। इस क्वेश्चन को अब मैं करता हूँ साइड पे, हम चलते हैं दूसरे बेस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं हम दूसरा बेस क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में पैटर्न नहीं बदलूंगा, सारा उसी डाटा को लेकर के चलूंगा, बस आप देखते जाइएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन गॉट 60% of votes and full stop, find by how many votes, find by how many votes the winner, find by how many votes the winner won the election, find by how many votes the winner won the election if total, find by how many votes the winner won the election if total number of votes is, if total number of votes is 10,000। ध्यान से देखना, अभी भी क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन अलग नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रही हैं। किसकी वजह से? क्वेश्चन की वर्डिंग की वजह से। पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, पहला वाला क्वेश्चन, उसमें बोल रहा था इलेक्शन हुई दो कैंडिडेट्स में, एक को मिले 60% वोट, बता टोटल वोट किस विनर को कितने मिले हैं अगर टोटल नंबर ऑफ वोट 10,000 है। तो इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है इलेक्शन हुई दो कैंडिडेट्स में, एक बंदे को मिले हैं 60% वोट, बता फाइंड बाय हाउ मेनी वोट्स। यहां पे देखना एक लाइन ऐड हुई है, फाइंड बाय हाउ मेनी वोट्स। ये बाय हाउ मेनी वोट्स का मतलब क्या है? जहां जहां पर भी ये बाय वर्ड यूज होता ना यार, बाय हाउ मेनी का मतलब कितने ज्यादा वोटों से विनर जीत रहा है, इसका यहाँ पे ये मतलब है। पिछले क्वेश्चन में मतलब था कि विनर को कितने वोट मिले, इस क्वेश्चन में बोल रहा है बता कितने ज्यादा वोटों से विनर जीत रहा है, और टोटल नंबर ऑफ वोट आज भी 10,000 है। दोनों में फर्क है। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, आज भी वही टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं 10,000, यानी कि 100% किसको शो कर रहा है 10,000 को। मैं दो बंदे लेट कर लेता हूं, एक का नाम आलू एक का नाम भालू, आलू को मिले अगर कितने 60% वोट, तो भालू को कितने मिले 40% वोट। और बोल रहा है जो जीता है, दोनों में से जीता कौन? आलू जीता। बोल रहा है जो जीता वो कितने ज्यादा वोटों से जीता, तो एक चीज बताओ यार, ये आलू जीत रहा है ना, ये कितने ज्यादा वोटों से जीत रहा है एज कंपेयर टू भालू।
ये जीत रहा है 20% एक्स्ट्रा वोटों से, 20% वोट ज्यादा हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस 10,000 का निकालूंगा 20% वोट, और 20% वोट किसके बराबर आएंगे भाई, 2,000 वोटों के। तो मेरा आंसर आएगा 2,000। पिछले क्वेश्चन में बोला कितने वोट विनर को मिले, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कितने ज्यादा वोट विनर को मिले, तो मैंने बोला 2,000 वोट ज्यादा मिले हैं भाई विनर को। क्लियर है? और ऑटोमेटिकली बात है, जब ये बोलेगा भाई कितने ज्यादा वोट, तो किसी ना किसी से कंपैरिजन हो रहा होगा, और कंपैरिजन यहाँ पे बंदे दो ही हैं, एक जीता एक हारा है, तो जो हारा है उससे कितने ज्यादा वोट मिले। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेस लेवल, और ये क्वेश्चन हमारे पास आना शुरू हो गया था हमारे पेपर्स में आज से कोई लगा के चल लो 5 साल पहले, 5 साल पहले ये क्वेश्चन का ट्रेंड आ चुका था। अब एक स्टेप और चलता हूं बेस लेवल पे, ये भी पेपर में नहीं आता। किस्मत 3 बार अच्छी नहीं, 2 बार अच्छी हो तो हो सकता है, क्लियर है, आ जाए, लेकिन ये भी आजकल आता नहीं है, ट्रेंड जा चुका है इसका, अंडरस्टैंड करना। एक स्टेप और आगे आ रहा हूं, अपने पास लेट्स सपोज यही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में अगर ये बोल दे जस्ट लाइक क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, द विनर won the election, won the election, the winner won the election by 20% votes, by 20% votes, क्लियर है, फुल स्टॉप। फाइंड फाइंड द टोटल वोट्स स्कोर्ड बाय विनर का, बड़ी भाई पूछ लिया, आप लूजर पूछ लेते हैं। फाइंड द टोटल वोट स्कोर्ड बाय लूजर इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 10,000, जस्ट लाइक ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की ट्रेंड की बात करूं तो लगा के चल लो 4 से 5 साल के बीच में इसका ट्रेंड था, है नहीं है, क्लियर, अंडरस्टैंड करना क्या क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स के बीच में जब इलेक्शन हुए, विनर वॉन द इलेक्शन, विनर जीत रहा है इलेक्शन को 20% वोटों से, यानी कि विनर को 20% वोट ज्यादा मिल रहे हैं, क्लियर है। बोल रहा है बता वोट जो स्कोर किए किसने, लूजर ने, और टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं, 10,000। तीनों क्वेश्चन की डिजाइनिंग समझना बेटा। पहले क्वेश्चन में अगर मैं लेके चलूं तो पहले क्वेश्चन में था कि भाई एक इलेक्शन हुई दो कैंडिडेट्स में, 60% एक बंदे को मिले, और पूछ भी रहा था टोटल वोट बता किसको मिल रहे हैं, जो विनर को मिल रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहा था एक बंदे को 60% मिला है, ठीक है भाई डन। और बोल रहा था कि बता टोटल वोट किसको, विनर को कितने वोट मिलेंगे, मिलेंगे कितने वोट मिलेंगे, ज्यादा नहीं पूछा इसने। दूसरा क्वेश्चन आया तो इसने पूछना शुरू कर दिया कि विनर को कितने ज्यादा वोट मिलेंगे। अब जो इस क्वेश्चन का आंसर था ना, उसी को अगले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बना दिया गया, यूज करके क्लियर क्वेश्चन क्रिएट किया गया। जो पिछले क्वेश्चन का आंसर था वो इस क्वेश्चन का क्या है, डाटा है क्वेश्चन के लिए। यहां पर बोल रहा है एक इलेक्शन हुई दो कैंडिडेट्स में, विनर 20% ज्यादा वोटों से जीत रहा है, और पीछे वाले में पूछ रहा था बता कितने ज्यादा वोटों से जीत रहा है, तो हमने बोला 20% यानी 2,000। यहां पर अपने को वो चीज क्वेश्चन में दे दी है, तो क्या करूं, डील कैसे करूं। अपने पास टोटल 10,000 वोट है, कितने 10,000, इलेक्शन हुई दो बंदों में, एक का नाम आलू एक का नाम बालू, आलू को अगर मिले हैं कितने भाई, 20% ज्यादा वोट मिले हैं, तो इतना तो देख के अभी तक समझ में आ गया होगा ना, 20% ज्यादा मिले हैं, तो ज्यादा कब पॉसिबल है, जब यहां पर 60% वोट हो और यहां पर 40% वोट हो, तभी जाके पॉसिबल है इसको 20% ज्यादा मिले होंगे जिसको,
जो जीता है आलू है ना। अब बात ये आती है, मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई हमेशा तो ऐसा नहीं करेगा ना कि 20% बता दे आपको, बोले कि हाँ 20% ज़्यादा वोटों से ये आपको रटा हुआ है 60-40 का डिफरेंस। हमें ऐसा भी तो कोई नंबर दे सकता है जिसका डिफरेंस क्रिएट हम कर ही ना पाए, ऑन द स्पॉट नहीं पता हो, तो हम क्या लॉजिक इंप्लीमेंट करें कि हमें डिफरेंस का पता चल जाए। तो हम करते क्या भाई, ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं 100%। मैं 100% में से उस वक्त जो एक्सेस वोट है ना, जो ज्यादा मिले हैं किसी बंदे को, वो मैं माइनस कर लिया करता था और अपने पास बचते थे 80% वोट। और ये 80% वोट कौन से थे, ये 80% वो वोट थे जो दोनों को बराबर बराबर मिले थे। तो मैं इसको भी दे दिए मैंने 40% वोट और इसको भी दे दिए मैंने 40% वोट। और जिसको मैं जिताना चाहता हूं, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया क्वेश्चन में आलू जीता के भालू, मैंने लिए नाम आलू भालू, तो आलू को मैं जिताना चाहता हूं, तो अपने पास क्या होगा भाई 20% वोट एक्स्ट्रा दूंगा मैं। तो यहां पर क्या आएगा, अपने पास आ जाएगा 60% वोट। तो अब जाके देखो मैच हो गया अपने पास। जब कभी भी ऐसा है ना बेटा, बड़ी बार ये 35% का यूज करेगा, 32 कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, क्लियर। आपने 100% में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है जो एक्सेस है, जो बचे दोनों में बराबर, जिसे जिताना चाहते हो उसको एक्स्ट्रा दे दो, क्लियर है, बैलेंस हो जाएगी आपके पास परसेंटेज। बस इतना काम करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द टोटल वोट स्कोर्ड बाय लूजर, है ना, लूजर को कितने वोट मिले हैं। तो 10,000 का कितना 40% ले गया लूजर, यानी कि 4,000 वोट मिले किसको, लूजर को। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए ना बेटा, तब जा करके जो आज का ट्रेंड चल रहा है उसको हम पूरा कर सकते हैं। अब वो ट्रेंड है क्या, उसके ऊपर चलते हैं, थोड़ी बात करते हैं। लेकिन करने से पहले मैं इन क्वेश्चंस के बीच में ना कुछ और पॉइंट्स भी बताना चाहूंगा, अंडरस्टैंड करना। अगर यहां पर इसने एक लाइन बोली ना, क्या द विनर वॉन द इलेक्शन बाय 20% वोट, कि अगर आलू जीत रहा है 20% वोटों से, तो इसका एक और मतलब है कि बालू हार रहा है 20% वोटों से। अगर आलू 20% वोटों से जीतेगा ना, तो बाय डिफॉल्ट बालू 20% वोटों से हारेगा, उसके पास 20% वोट कम है किसके कंपैरिजन में, आलू के। इसी वजह से ये बंदा क्या कर रहा है, हार रहा है। अंडरस्टैंड करिएगा, इस लाइन का बड़ा गहरा मतलब है। अगर यहां बोला गया कि आलू जीत रहा है 20% वोटों से, तो इसका दूसरे शब्दों में मतलब है बालू 20% वोटों से हार रहा है। इसकी जीत में और उसकी हार में अलग डिफरेंस नहीं हो सकता, दोनों के नंबर सेम रहते हैं हमेशा, ये बात याद रखना। और ये तीनों के तीनों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, तो यहां पर मैं एक नया क्वेश्चन जो अभी ट्रेंडिंग है, मैं वो क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को अपने दम पे सॉल्व करना यार, ट्राई करना। जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ने आते हैं उनको करवाए जाते हैं ये सारी चीजें, करवाई जाती है क्लास में और ये सारी चीजें समझाई जाती है। अंडरस्टैंड करिएगा, आप भी ट्राई करिएगा, मैं क्वेश्चन यहां लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन है अपने पास, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनर वॉन द विनर वॉन द इलेक्शन द विनर वॉन द इलेक्शन द विनर वॉन द इलेक्शन बाय 35% वोट्स एंड लूजर लूज द इलेक्शन बाय एंड लूजर लूज द इलेक्शन बाय 1400 वोट्स 1400 वोट्स फाइंड द टोटल वोट्स स्कोर्ड बाय फाइंड द टोटल वोट्स स्कोर्ड बाय विनर फाइंड द टोटल वोट्स स्कोर्ड बाय विनर।
ये क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, क्लियर है। तीनों पार्ट आपने पढ़ लिए और तीनों पार्ट अगर आप पढ़ चुके और अच्छे से समझ चुके ना, तो कोई भी नंबर, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपका क्रिएट कर दे, आप उस सभी क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं अगर आपको ये बेस लेवल तीनों क्वेश्चन पता है तो। क्लियर है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। एक मिनट का पॉज लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अगर आपका सॉल्व हो जाता है वेल एंड गुड, जो भी होता है कमेंट में आप उसका रिप्लाई करेंगे और आने के बाद वापस इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप आकर के क्रॉस चेक करेंगे। तो पॉज ले लीजिए अभी के अभी, चलिए आ जाइए सॉल्व करते हैं। अपने पास ध्यान से देखना क्वेश्चन बोल क्या रहा है। बोल रहा है इलेक्शन हुई दो कैंडिडेट्स के बीच में, विनर जो जीत रहा है वो 35% वोटों से जीत रहा है और बोल रहा है जो हार रहा है वो कितने वोटों से, 1400 वोटों से हार रहा है। मैंने अभी पीछे एक डाटा दिया आपको, मैंने बोला भाई अगर एक बंदा 35% वोटों से जीत रहा है और दूसरा हार रहा है तो दूसरा हार कितने वोटों से रहा होगा, वो भी 35% से। अगर एक 35% वोटों से जीत रहा है तो दूसरा भी 35% वोटों से हार रहा होगा, किसी और वोट से हार ही नहीं सकता। अगर एक 1400 वोटों से हार रहा है तो जो जीता है वो भी 1400 वोटों से जीता है बेटा, यानी कि 35% मेरा बराबर है किसके, 1400 वोट के। ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। जब कभी भी परसेंटेज और नंबर बराबर होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया हम 1% की वैल्यू निकालते हैं, कैसी निकलती है, 1400 पूरा का पूरा नंबर नीचे आके डिवाइड, परसेंटेज को उधर ही छोड़ देता है। 35 का टेबल आता है, 35 वन का, 35 35 टू का 70, अगर 35 दो का 70 है तो 35 चार का 140 हो जाएगा, कितने का, चार का, यानी कि 40। 1% मेरा बराबर है किसके, 40 वोटों के। 1% बराबर है 40 वोटों के। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, टोटल नंबर ऑफ वोट किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट होता है भाई 100%। भूल गए क्या, मैंने बोला हर एक चीज का जो टोटल है वो 100% ही है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट किसके, 100%। तो 100% निकालने के लिए क्या करूं, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया 100 को मल्टीप्लाई बाय 40 तो आउटपुट क्या आ जाएगा अपने पास, 4000 वोट आएंगे। कितने आएंगे, 4000। और यह समझ तभी आएगी जब लेक्चर नंबर 2 देखोगे। 1% की जो वैल्यू है उस वैल्यू को जिस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दूं उसकी वैल्यू बताता है। तो मुझे 100% का पता करना था तो 100 को 40 से मल्टीप्लाई किया, मुझे पता चला 4000 वोट हैं टोटल। क्लियर, और कॉन्टेस्ट हुआ था इलेक्शन दो बंदों में, दो हमारे फेवरेट नाम क्या है, एक है आलू एक है भालू। क्लियर, आलू भालू में इलेक्शन हुआ, 4000 वोट थे और अपने को बोला जा रहा है फाइंड द टोटल वोट स्कोर्ड बाय विनर, विनर को कितने वोट मिले। अब कैसे बताऊं भाई, मुझे तो परसेंटेज पता ही नहीं है, कैसे बता दूं, ध्यान से देखना अभी पीछे सिखाया मैंने, बोला या तो बेटा 100% ले उसमें से माइनस कर दे 35 को, 35% वोट चले गए, क्या बचे 65% वोट। ये 65% वोट आधा आधा बांट दे, जिसको जिताना चाहता है उसको 35 वोट और दे दे, पीछे पिछले क्वेश्चन में ही सिखाया, तो हमारे पास परसेंटेज पता चल जाएंगी, जो जीतेगा उसका उसी परसेंटेज का 4000 निकाल दे, मेरा आंसर आ जाएगा। मैं चाहूं तो मैं परसेंटेज कर सकता हूं, लेकिन परसेंटेज के अलावा मेरे पास यहां पे नंबर भी था यार, नंबर भी था, मैं इसको हटा देता हूँ फॉर अ टाइम में, या फिर इधर साइड पे लिख देता हूँ आपके लिए। 35% बराबर था 1400 और 1% बराबर आया मेरा 1400 डिवाइडेड बाय 35, कटा तो अपने पास आया 40। क्लियर है, और ऐसा क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि वीडियो देखने वाले हमेशा आम लोग नहीं होते हैं, कुछ महान लोग भी होते हैं। क्लियर है, उन महान लोगों के लिए लिखना पड़ता है, समझ रहे हो ना। हाँ ठीक, ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर मैं परसेंटेज नहीं खेलना चाहता, क्यों, क्योंकि मुझे परसेंटेज के अलावा नंबर भी तो पता है, मेरे को इतना पता है भाई 4000 वोट टोटल है, 4000 वोटों में से अगर 1400 वोट एक बंदा ले गया है ना, 4000 किसको शो कर रहा है, 100% को, 35% 1400 को, दोनों की सब्ट्रैक्शन करूं, 4000 में से 1000 गया बचा 3000, 3000 में से 400 गया तो बचा 2600 वोट। क्लियर है, यानी 2600 वोट किसके बराबर होगा, 65% के।
2600 वोट मिले हैं किसको, दोनों बंदों को बराबर बराबर। तो 2600 का आधा करूं तो कितना आता भाई, 1300 वोट। 13 दुके 26 ना, 1300 वोट आलू को मिले, 1300 वोट भालू को मिले। और जिसको मैं जिताना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले में देखना, मैंने बोला था क्या करो, 35% एक्स्ट्रा दे दो। तो यहां 35% एक्स्ट्रा नहीं दे रहा, 35% की वैल्यू एक्स्ट्रा दे दूंगा। क्यों? खेलने को परसेंटेज भी खेला जा सकता है, लेकिन नंबर खेलना ज्यादा आसान है, टाइम कम लग रहा है, तो नंबर खेल रहा हूं मैं, क्योंकि नंबर दिया है। तो मैंने क्या किया, मैं जिसको जिताना चाहता हूं आलू या भालू में से, उसको मैं 1400 वोट और दे दूंगा और वो हमारा आंसर होगा। तो किसको जिताए, अरे बड़ी बार आलू को जिताया, अब भालू की बारी, 1400 वोट दे देते हैं, कितना आ जाएगा, 2700। यानी कि अपने पास भालू को मिले हैं टोटल कितने, 2700 वोट, और आलू को मिले हैं सिर्फ कितने, 1300 वोट। और बोला जा रहा था फाइंड द टोटल वोट स्कोर्ड बाय विनर, विनर को टोटल वोट कितने मिले हैं, 2700। तो ये रहा मेरा आंसर, क्लियर है। इसको क्वेश्चन को बेटा बार बार ट्राई करना और इस पैटर्न को यूज करना। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न जो है ट्रेंडिंग है, और इसके अलावा भी और भी बड़े सारे क्वेश्चन हैं इसी के जो ट्रेंडिंग है, क्लियर है, जो आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, क्लियर। ऑनलाइन में हर चीज पॉसिबल नहीं हो पाती, मैंने आपको फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर ही बोला था। ऑनलाइन में सिर्फ समझाया जा सकता है, वो भी एक लिमिट तक। ऑनलाइन में पढ़ा जा सकता है, वो भी एक लिमिट तक। समझ तब आता है और बच्चा जॉब तब ले पाता है बेटा, जब वो क्या करे, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर पाए, वो डाउट्स लेकर के आ पाए, और वो ऑफलाइन क्लासेस में पॉसिबल होता है। अदरवाइज मैंने बहुत, आज तक मैंने नहीं भी पढ़ाया बेटा, 23,000 स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ लास्ट ईयर तक की कैलकुलेशन है। और अभी अगर कैलकुलेशन लेकर के जाऊँ तो 24,000 के अराउंड हो रहा होगा 6 मंथ्स में। मैंने बड़े बच्चे देखे हैं इस सेशन में जो बोलते हैं कि हाँ सर मैंने तो बिना मैथ के ये कर लिया वो कर लिया। बेटा कुछ नहीं किया, 0.5 से अगर कोई रह रहा है ना बच्चा, 0.5 से अंडरस्टैंड करना, 0.5 से अगर फॉर्म लगता है 5 वैकेंसी, 10 वैकेंसी, 100 वैकेंसी, 1000 वैकेंसी के लिए फॉर्म लगता है बेटा 2.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख। अगर 6 लाख बच्चा भी फॉर्म भरेगा ना, तो ना ना करते 4 लाख बच्चा वो होगा जो ये बोलता घूम रहा होगा कि मेरा 0.5 से रह गया, 0.5 से रह गया। अब मैं बोलूँ कि 0.5 से रह गया तो बोर्ड बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है, बेटा 0.5 से रहने वाले बहुत हैं और ये 0.5 से ही रहते रहेंगे। ये 0.5 नहीं कवर कर पाएंगे, तब तक कवर नहीं कर पाएंगे जब तक ये एफर्ट नहीं करेंगे, क्लियर है। और एफर्ट करने के लिए बेटा सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कभी पॉसिबल है ही नहीं ऐसा, क्लियर। तो इसको ट्राई करिएगा, इन चीज़ों को देखिएगा और खुद रियलाइज करिएगा कि आप कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है आपके साथ। और अगर आप इस लेवल पे लाई कर रहे हैं तो क्या आप अकेले स्टूडेंट हैं, बस 0.5 कवर कर लेंगे हो जाएगा, मैं 0.5 कवर कर लूँ भाई नौकरी लग जाएगी। अरे 1 लाख वैकेंसी है भाई और 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, जॉब 1 लाख बंदे की ही लगेगी। अब वो कौन से लोग होंगे, वो लोग होंगे जो मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत कैसे की जाती है ये ऑनलाइन में बताना पॉसिबल ही नहीं है, ऑनलाइन में बताया जा दिखाया जा सकता है यार, ये सारी गेम ऑफलाइन की है। और ऑफलाइन में अगर आप आते हैं तो बड़ी सारी चीज़ें आपको और भी समझ में आएंगी, बड़ी सारी चीज़ों को लेकर के आप अपनी आप को रिकवर कर पाएंगे। और गेम सारी रिकवरी की है, रिकवरी जो जो कर जाए वो आगे बढ़ जाता है, बाकी जय माता दी। चलिए तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट अपने पैटर्न पे। अब बेटा हम एक स्टडी करने वाले हैं, एक फॉर्मूला स्टडी करने वाले हैं। वैसे तो देखो तो बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है और हमें लगता है कि इसकी लिमिट भी बड़ी छोटी है। अदरवाइज इस फॉर्मूले को देखो ना, ये फॉर्मूला ऐसी ऐसी चीजें आपको करके बता सकता है, जहां जहां पर भी आप क्वेश्चन को लेकर के कंफ्यूज हुए ना बेटा, वहां वहां हर एक जगह ये फॉर्मूला आपका यूज हो सकता है। और ये फॉर्मूला है अपने पास
क्या करने का, चीजों को रिवर्स करने का, क्या करने का, रिवर्स करने का। और इसीलिए मैं इसे बोलता हूं रिवर्स मेथड। क्या बोलता हूं? रिवर्स मेथड। अब ये रिवर्स मेथड है क्या, कहीं पर भी इंक्रीज या फिर मोर की बात करेगा तो आपका फॉर्मूला यूज होता है आर डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर, क्लियर, और मल्टीप्लाई बाय 100। और जब कभी यहां पर डिक्रीज और लेस की बात करेगा तो आपका फॉर्मूला यूज होता है आर डिवाइडेड बाय 100 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हर एक चीज को रिवर्स करने का मेथड है, क्लियर। जस्ट लाइक इस मेथड को हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं और क्या क्या इस मेथड से हो सकता है, मैं सबसे पहले कुछ सिंपल चीजों के ऊपर आता हूँ, ठीक है। तो पहले आते हैं हम थोड़ी सिंपल सी चीजों में। जस्ट लाइक अपने पास अगर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में बोले अपने पास किसी एक बच्चे का नाम ले लेते हैं, जस्ट लाइक अपने पास है सीतू, है ना, सीतूज इनकम इनकम इज 25% मोर कर लेते हैं, 25% मोर देन दैट ऑफ रितुज इनकम। अपने को बोले सीतूज इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ सीतूज इनकम फुल स्टॉप, फाइंड रितुज इनकम, रितुज इनकम इज हाउ मच लेस देन that of Situ's income। Understand करना, अपने पास जब भी कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक सिंगल परसेंटेज दी हो और दो बंदों में कंपैरिजन कंटिन्यू चल रहा हो, जैसे यहां पर बोला गया कि सीतू की इनकम 25% क्या है, ज्यादा है, किससे, रितु की इनकम से, तो बताओ रितु की इनकम कितनी कम होगी सीतू की इनकम से। यानी कि दो ही बंदों में बात चल रही है, कंपैरिजन हो रहा है कंटिन्यू बेसिस पे और परसेंटेज एक दे के रखी है, उस टाइम पर ये मेथड हमारा बड़ा कारगर मेथड साबित होता है बेटा, क्लियर। अब ध्यान से देखना इस मेथड का यूज करना कैसे है। अपने पास परसेंटेज के साथ अगर मोर वर्ड लिखा है ना तो मोर वाला फॉर्मूला यूज होगा, अगर लेस वर्ड लिखा होता तो लेस वाला फॉर्मूला। अपने पास फॉर्मूला है आर डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आर क्या है, आर का मतलब है जो परसेंटेज है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं, कोई भी चीज जो परसेंटेज में होती है आर से डिनोट करते हैं। नीचे क्या है, 100 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय 100, आर की जगह ले गया आप 25, परसेंटेज का सिंबल यूज नहीं होगा, क्लियर। डिवाइडेड बाय आया 100 प्लस फिर से 25 और मल्टीप्लाई बाय क्या, 100 हमारा एज इट इज। कैलकुलेट करूं तो आएगा 25 अपॉन 100 प्लस 125, तो 125 मल्टीप्लाई बाय, सो काट देता हूं इसको, 25 1 का 25, 25 2 का 50, 25 3 का 75, 25 4 का 100 और 25 5 का 125, और 5 से काटूं 5 2 का 10 और 0 एज इट इज लग गया, तो मुझे आउटपुट पता चल गया। अगर सीतू की इनकम 25% ज्यादा है किससे, रितु की इनकम से, तो बताओ रितु की इनकम कितनी कम है सीतू की इनकम से, तो अपने पास आंसर आ रहा है 20% कम है भाई, कितनी, 20% कम है, क्लियर, किससे, सीतू की इनकम से, क्लियर। यहां पर क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ और हमें रिवर्स परसेंटेज पता चल गई। परसेंटेज में जब कभी आएगा तो ये क्वेश्चन होगा, क्लियर। लेकिन अगर ऐसी ही चीजें कुछ हमें प्रॉफिट एंड लॉस में कोरिलेट करें, और बहुत बार भी होता है, बहुत बार होता है, जस्ट मैं एग्जांपल देता हूं, मैं यहां पे इसको हटा के, अपने पास शोर कहां से आ रहा है, चलिए
अपने पास लेट्स सपोज यहां पर अगर ये बोलता क्वेश्चन में है ना, और क्वेश्चन इसका नहीं होता यार परसेंटेज का, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ऐसा कुछ हो रहा होता, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमें बार बार रिवर्स परसेंटेज जानने की जरूरत पड़ जाती है। क्यों? अंडरस्टैंड करना। अपने को बोले क्वेश्चन में अ मैन अर्न 20% 20% या फिर बोल दो अ मैन अर्न 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। अ मैन अर्न 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए एक बंदे ने 25% प्रॉफिट अर्न किया किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस पर, तो बताओ उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के हिसाब से क्या होगी। बड़ा शोर मचा रहा यार, बंद करा क्या, चलिए बंद हो गया शोर, आ जाइए ध्यान से देखना बेटा। अपने पास यही क्वेश्चन अगर प्रॉफिट एंड लॉस में हो ना, तो फिर हमें टीचर्स बताते हैं बेटा देख कैलकुलेट कर, कैसे हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस हमारी है 100 या फिर एक्स भी लेट करवाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है और क्वेश्चन में बोल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज हो रही है कितनी 25%, तो टीचर हमें बोलते हैं कि हाँ भाई ये देख प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अपने पास प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया तेरे को कितना 25%, प्रॉफिट कितना हो रहा है अपने को पता नहीं, क्लियर है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है अपने पास, कॉस्ट प्राइस मैंने लेट कर ली है क्या 100 लेट कर ली है, क्लियर, अंडरस्टैंड करिएगा। तो यहां से फिर हमारा प्रॉफिट निकाला जाता है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, ये मल्टीप्लाई 100 मैं यूज नहीं करता, अगर यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल यूज कर लूँ तो अपने पास क्या आया 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर किसके आएगा 25 के, ये और ये कट गया, प्रॉफिट आया अपना 25 रुपये, कितने का 25 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। और यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तब सेलिंग प्राइस कितनी है पता नहीं है, और सेलिंग प्राइस के बेस के ऊपर हमें कैलकुलेशन करनी है तो सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने प्रॉफिट निकाला, अदरवाइज तो डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं। अपने पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, मैंने 100 लेट की है और प्रॉफिट कितना है 25 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी भाई, ये 25 अपनी जगह पे रहा, ये 100 उठ के यहां आया, क्या बन जाएगा प्लस 100, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 125 क्या है हमारी सेलिंग प्राइस, क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हो तो कुछ ऐसा करते हैं हम, और फिर क्या है, फिर फाइनली ये करने के बाद हमें बोलता है प्रॉफिट बताओ ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के बेस पे, तो प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस, फॉर्मूला बन जाएगा प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, हां के ना, प्रॉफिट कितना है अपने पास, प्रॉफिट है 25 और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस हो चुका है 125 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो 25 एक का 25 25 कितने का 5 का कट जाए तो अपने पास आता है 20%। ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में हम इस तरीके से पूरा क्वेश्चन तिगड़म लगा के सॉल्व करते हैं जस्ट जानने के लिए, क्या कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस प्रॉफिट क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ आज के बाद बंद कर देना, आज के बाद आपने कुछ नहीं करना, यही जो रिवर्स मेथड है ना, जहां जहां पर भी आपको परसेंटेज का रिवर्स जानने को बात करे आपने इसी मेथड का यूज करना है। मैं कुछ भी, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, आपने सिंपल एक फंडे पे काम करना, भाई क्या है प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट मतलब मोर, तो अपने पास फॉर्मूला लगेगा आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर मल्टीप्लाई बाई 100, आर की जगह 25 अपान आया 125 मल्टीप्लाई बाई, तो क्रॉस चेक कर लो पूरी इक्वेशन वही बनी है, 20% क्या आ गया प्रॉफिट। इट मींस अगर बंदे को प्रॉफिट हो रहा है 25% कॉस्ट प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस पे कितना प्रॉफिट होगा, उस पे कैलकुलेशन करेगा तो 20% प्रॉफिट होगा, सिंपल बात, कोई सिद्धांत लेने की जरूरत नहीं है भाई,
समझ में आ रही है? क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, और ये चीजें मेरी वही बच्चे के लिए हैं, उस बच्चे के लिए मैं फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था जो 0.5 एक नंबर दो नंबर से रह रहा है। क्यों? क्योंकि लिंक नहीं पता। ध्यान से देखिएगा, और लिंक अगर हमें पता चल जाए कि इस क्वेश्चन का अगर मैं फॉर्म करूं तो और क्या क्या हो सकता है, तो हमारा वो एक नंबर आधा नंबर दो नंबर आप यकीन मानिएगा वो तो नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर क्वालिफाई करने से हम एक्स्ट्रा ही लेके आएंगे, कम नहीं लेके आ सकते। क्लियर है? इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। तो उसी के साथ मैं अलविदा करता हूँ आज के लेक्चर को। क्लियर है? तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एक छोटे से कंसेप्ट के साथ, परसेंटेज के ही। और परसेंटेज का वो कंसेप्ट पढ़ने के बाद परसेंटेज को मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। परसेंटेज बेटा ख़त्म नहीं होती, परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है। और अगर आपको सारी चीज़ें ब्रीफ में और अच्छे से पढ़नी है तो बेटा ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको आना पड़ेगा। क्लियर है? टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, बाय।